नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द एग्री फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झटका मशीन के बारे में। झटका मशीन जो होती है कि हमारे खेत में जैसे कि कोई फसल बो रखी है उसमें उसकी सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सुअर हो गया, नील गाय है, या फिर कोई आवारा पशु मवेशी है, कुत्ते हैं, उनसे हमारी फसल को सुरक्षित करने के लिए हम झटका मशीन का प्रयोग करते हैं। झटका मशीन का इसका नाम लेते ही हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए, एक मतलब झटका देती है, बार बार रुक रुक के ये चलती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी पशु वगैरह आता है, इसके जैसे भी जो तार लगे हुए उनके टच होता है, तो टच होते ही वो उसको एक हल्का सा झटका लगता है और वो साइड में गिर जाता है। जैसे कोई नीलगाय आ गई तो वो एक बार तार के टकराएगी तो उसको झटका लग गया, वो वापस बाहर गिर जाएगी, दूसरी बार उस तरफ नहीं आएगी, जिससे हमारी फसल जो है पूरी रूप से सुरक्षित हो जाती है। इसके बाद हम बात करें, पशु होते हैं और मनुष्य, चाहे कोई भी झटका तो एक बार लग जाता है, वो दूर चले जाते हैं, जिससे क्या है उनको कोई भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है ना। जैसे हमारी क्रॉप सुरक्षित रहेगी, क्रॉप को कुछ भी नहीं होगा, ना ही उस पशु को कुछ होगा, क्योंकि ये झटका सिस्टम है, एक बार कंट डाल देती है और दूसरी बार छोड़ देती है। और इसके हम फंक्शन की बात करें तो दोस्तों, जैसे इसका फंक्शन है, ये मशीन को सलू और बंद करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अब ऑफ है और ऑन करेंगे तो मशीन अपने ऑटोमेटिक सलू हो जाती है। उसके बाद ये जो होता है कि जैसे कि मशीन को पूरे दिन और रात सारा, मतलब दिन और रात सलू रखनी है, तो इस पर 24 आवर्स पे रखेंगे। और अगर अपन को ओनली फॉर नाइट में ही मशीन का यूज़ करना है तो हम इस पर कर देंगे, जैसे कि 12 आवर्स पे कर दिया तो वो अपने आप, जैसे कि जैसे ही इसके अंदर 16 जो अपने प्लेट लगी हुई होती है उससे करंट आना मशीन में बंद होगा, तो अपने आप ही ये मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही करंट आने लग, मतलब अंदर करंट आने लगेगा, तो अपने आप ही मशीन बंद हो जाती है। और इसके बाद ये अपन इसकी बात करें तो ये मशीन, मतलब जो अपने स्पार्क देता है, यानी कि करंट देता है, उसको हाई रखना है या लो रखना है, उसको ये हाई और लो का बटन है। इसके बाद ये है कि सायरन का है, कि अपने को सायरन बंद रखना है या स्लू रखना है, कि अगर हम नज़दीक हैं तो सायरन को एनी टाइम स्लू रखें, क्योंकि अगर कुछ जानवर हैं या फिर जो दौड़ता हुआ आता है और टकराता है तो सायरन अपने आप आवाज़ करने तो लग जाते हैं, लेकिन वो तार वगैरह टूट जाते हैं कभी वगैरह कभी कभार, तो फिर वो सायरन एनी टाइम बजता रहेगा और बैटरी अपनी पूरी लो हो जाती है। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। और इसके बाद ये है कि यहाँ पे हमने एक सोलर का दे रखा है, जैसे हम यहाँ पे सोलर की पिन एंटर करते हैं, जैसे कि हमने ये सीधी सोलर की पिन लगाई है, तो ये अपने आप लाइट होगी और इधर हमारा सोलर लगा हुआ है। जैसे ये सोलर की पिन अंदर डालती ग्रीन लाइट लग गई है। इसके साथ हमें नीचे बैटरी की दे रखा है स्विच, और जैसे ही हम बैटरी की पिन लगाएंगे, जैसे ये हमने बैटरी की पिन लगाई है, तो बैटरी अपने आप, जैसे बैटरी की पिन तो इंसर्ट कर दी, अब हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे मशीन तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। और हमने यहाँ पे मशीन स्टार्ट की, अभी हमें स्टार्ट नहीं दिख रही, उसका कारण ये है कि हमारे ये स्विच स्टार्ट है अभी भी, क्योंकि ये जैसे कि सोलर का पिन अंदर इंसर्ट कर रखी है तो ये बंद रहेगा, जैसे इसको हम ऐसे करते ही ये मशीन स्टार्ट हो गई है। ये आप इसके अंदर फंक्शन, ये जैसे ही मशीन स्टार्ट होगी ये लाइट अपने आप लगना शुरू हो जाती है। और अगर हम जैसे भी ये 12 आवर्स पे करा, ये बंद होगी। इसके अलावा जैसे ही हम सोलर की पिन बाहर निकालेंगे तो ये मशीन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद है कि अपने मशीन के जो ये जो ऑप्शन दे रखा है येलो लाइट्स का, ये जैसे ही बैटरी लो होगी तो ये येलो लाइट अपने आप यहाँ पे लगनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो ये अपने जो सायरन लगा रखा, ये जो अपना सायरन यहाँ पे जैसे हमने इंसर्ट कर दिया, ये सायरन का ऑप्शन है। सायरन इंसर्ट करने के बाद ये जो साथ में दे रखा है, ये सायरन की जैसे कि लो रखना है या लाउड रखना है, इसके लिए ये साथ में दे रखा होता है। और इसके बाद क्या होता है, अगर हमारे पास एनी टाइम लाइट अवेलेबल है तो हम सोलर प्लेट और बैटरी का यूज़ ना कर कर डायरेक्ट लाइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसका यूज़ करने के लिए बीच में अपना ये एडेप्टर लगेगा, एडेप्टर जो होता है, एडेप्टर के जो एक वायर जो होते हैं वो एक साइड से इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे और दूसरा जो लाइट से जोड़ देते हैं, और जिससे कि मशीन सीधी चल सकती है। इसके बाद हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास सोलर मशीन नहीं है और हम लाइट हैं और सोलर प्लेट का प्रयोग नहीं करना है अपने को, तो अपने मशीन के साथ एक एडेप्टर आता है,
जो क्या करते हैं कि बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका हम यूज करते हैं, जैसे कि ये यहाँ से जो सोलर का है ये बाहर निकाल देंगे, जैसे ही अपन ये बाहर निकालेंगे तो अपन ये जो एडेप्टर है जो ये इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और जो इसकी जो आगे वाली पिन है वो सीधी लाइट के अंदर जोड़ देते हैं, जिससे कि ये बैटरी अपनी आसानी से चार्ज हो जाती है। और इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें इनकी, जो ये जो होता है जो हमने फील्ड में सीधा जो तार लगा हुआ होता है सियारों और झटका मशीन के लिए जो अपने तार यूज करते हैं वो लगा हुआ है, तो अगर हम इसका प्रयोग करेंगे ये जो होगा जो करंट के लिए जो तार में जाएगा और ये सीधा या तो हम ज़मीन में डाल देंगे इसे, या फिर अगर ज़मीन में न डालते हैं तो या फिर एक हम साइड में जो झटका मशीन के लिए जो हम तार लगाएंगे खेत के शहर और उसके अंदर एक नीचे की तरफ इसका भी तार लगा देते हैं, और जिससे ये आसानी से अर्थ चल रहता है उसके अंदर। और इसका जो होता है या तो हम एक ही प्रयोग करें तार, या अगर जो बड़े पशु हैं जैसे कि हमारे अंदर नीलगाय वगैरह का ज़्यादा प्रकोप है तो फिर इसके अंदर दो तार लगा दें, जो एक ऊपर और नीचे और बीच में एक लगा दें अर्थ के लिए तार यूज कर दें, जिससे क्या है कि आसानी से हम नील गाय को रोक सकते हैं। ये कैसे काम करता है कि हम देखते हैं कि ये आप जैसे ही इसको नज़दीक रख के इसके नज़दीक ले जाएंगे वैसे ही अपने आप ये काम करेगा, जैसे इसको टच होते ही अपने आप सायरन बज जाएगा और अपने हमको पता चल जाता है कि कोई भी पशु हमारे मतलब तार से टकराया है, और हम मतलब सावधान हो जाएंगे जिससे कि पशु हमारे खेत में आक्रमण नहीं कर सके। जैसे ये तो हल्का सा देख लो आप सिंगर थोड़ा निकल जाती है, जैसे नजदीक गए सिंगर ही निकलेगी। इसके अलावा ये हमारे इंसुलेटर लगे हुए थे जो जैसे कि हम खेत के चारों और जो तार लगाते हैं उनको उनके बीच में एक ये इंसुलेटर लगा देते हैं, जिससे कि किसी भी पीछे की चीज या फिर कहीं भी ये कंट दूसरी जगह न हवाई कंट न बने इसके लिए ये इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।